हेलो एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन क्लास। डियर लर्नर्स, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डिटर्मिनेंट का हमारी लाइफ में क्या रोल है। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे, यही सीखेंगे कि मैट्रिसेस का और डिटर्मिनेंट्स का क्या रोल है, मतलब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डेली लाइफ में हम इसे यहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ आगे बढ़ना चाहूँगा। सपोज दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, 2x-3y = 9। दूसरी इक्वेशन मैं कह रहा हूँ -5x + 7y = 13। सपोज इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है? अगर हम अपनी पिछली क्लास को याद करें, क्लास 10th तक हमने क्या पढ़ा था, a1x + b1y + c1 = 0 पहली इक्वेशन, a2x + b2y + c2 = 0 इस तरह से। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उनको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या हुआ, कंसिस्टेंट के अगेन दो पार्ट थे। क्या क्या पार्ट थे? यूनिक सॉल्यूशन और हैविंग सो मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन में क्या बात कही गई थी, जब ये रेशो जो थी हमारी a1 / a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 / b2, तो हम कहते थे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से हमने इनफाइनाइटली सो मैनी सॉल्यूशंस के लिए पढ़ा था कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, मतलब इनफाइनाइटली सो मैनी सॉल्यूशन के लिए ये तीनों जो प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन एक थर्ड केस भी था हमारे पास जिसका नाम था इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, a1 / a2 = b1 / b2 बट इज न॑ इक्वल टू c1 / c2। ओके, तो इस तरह से हम कंक्लूजन निकालते थे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका क्या रोल है? सबसे पहली बात तो ये है कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनको हम मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिखा जाता है वो हम सीख चुके हैं। हम इसको लिखते थे ax = b, तो बाद में हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि x = a inverse (b)। यहाँ पर x क्या था हमारे पास, x का मतलब था xy, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कॉलम वाइज लिखे जाएंगे। राइट हैंड साइड में ए इनवर्स हम मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो ए इनवर्स इनटू बी का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है 9, 13, राइट। मतलब कहने का जो मेन स्टोरी बच जाती है वो बचती है ए इनवर्स को फाइंड आउट करना, ए इनवर्स कैसे निकाला जाए। इसके डिफरेंट मेथड्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो मेथड है वो है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड देयर आफ्टर हाउ टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो होगा डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है हम तभी आगे बढ़ेंगे, तभी हम कहेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मतलब कहने का आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकालने के अपने अपने मेथड हैं, आप किसी भी मेथड को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मैं जो फॉलो करूँगा वो करूँगा फॉलो मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सो विद दिस टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट अस प्रोसीड नाउ। जस्ट एक क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से पूरा का पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड तो हमें मैट्रिक्स मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इक्वेशंस क्या हुई दी हुई हैं, तीन इक्वेशंस दी हुई हैं और तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन तीन इक्वेशंस को एक कोफिशेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना। तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पर ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू कोफिशेंट मैट्रिक्स टू, वाई का कोफिशेंट थ्री, जेड का कोफिशेंट थ्री, एक्स का कोफिशेंट वन, वाई का कोफिशेंट माइनस टू, जेड का कोफिशेंट वन, एक्स का कोफिशेंट थ्री, वाई का कोफिशेंट माइनस वन, जेड का कोफिशेंट माइनस टू। ओके, एक्स क्या है, तीन वेरिएबल्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उनको हमने इस कॉलम वाइज लिखना है, एक्स वाई और जेड की वाइज। इसके बाद है राइट साइड बी, बी मैट्रिक्स क्या हुई राइट साइड, यहाँ पर भी फाइव, ये माइनस फोर, थर्ड इक्वेशन का थ्री, इस तरह से राइट। तो मतलब कहने का अब हमारे पास क्या बन चुका है, इसको हमने अगर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये बन रहा है रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द मैट्रिसेस, उसको हमने लिखा ए की वैल्यू इनटू बी एक्स का मतलब एक्स वाई जेड और बी राइट हैंड साइड में ये राइट। जैसा कि पहले डिसाइड किया गया था कि सबसे पहला काम होगा डिटर्मिनेंट निकालना, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, पूरी मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख लेंगे, टू थ्री थ्री वन माइनस टू वन, थ्री माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू, और एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, तो टू एलिमेंट लिखा हमने, इसके कोरिस्पोंडिंग हमने वही जो काम होता है छिपाने का, दिस इज मल्टीप्लाइड विद माइनस टू इज मल्टीप्लाइड विद माइनस टू, कितना हो गया प्लस का फोर, फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है इस वन से, माइनस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया राइट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट क्या है थ्री, लेकिन थ्री जो है इसकी लोकेशन क्या है, ए वन टू, वन प्लस टू कितना हो गया थ्री, मतलब ओड ओड है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। अब थ्री के कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम को छिपा लेंगे, इनको छिपाने के बाद इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है, हमने इनको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू, माइनस का साइन, थ्री इंटू वन थ्री राइट। लास्ट में क्या है थ्री प्लस थ्री, और थ्री के कोरिस्पोंडिंग रो और कॉलम दोनों को छिपाकर जो बाकी बच गया उसका डिटर्मिनेंट, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, माइनस का साइन, थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स, माइनस और माइनस बन गए प्लस सिक्स राइट। इस तरह से हमारे पास जो है हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कहने का टू इंटू फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव प्लस थ्री इंटू प्लस फाइव, कितना हो गया ये टेन प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी,
प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 40 क्या निकाला हमने, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है माइनर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, जिसे हम लिखते हैं M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैं सिंपली यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए M11 की बात की जाए, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने क्या करना है, छिपाना है। किसके, जो मैट्रिक्स हमें ये है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपाकर जो बच गई मैट्रिक्स, क्या बचा हमारे पास, -2, -1, 1 और -2। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करके +4, माइनस का साइन, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, -1। तो कितनी वैल्यू आ गई, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो M11 की वैल्यू कितनी है, +5। अब हम सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे M12। M12 का मतलब क्या हुआ, ये इस एलिमेंट 3 के कोरिस्पोंडिंग फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इनको छिपा लो, बाकी क्या बचा उसका डिटर्मिनेंट 1, 3, 1, -2। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, -3 हो गया, आंसर कितना हो गया, -5। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -5। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, M13। M13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है फर्स्ट रो और थर्ड रो, इनको छिपाकर डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, 1, 3, -2 और -1 का। कैसे करेंगे, अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, -1, माइनस का साइन, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -6, तो प्लस का 6 -1 कितना आया आंसर, +5। तो M13 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या वैल्यू है इसकी, +5। नेक्स्ट एलिमेंट है M21। M21 इसका मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा था, ये, इनको छिपाने पर क्या बच रहा है हमारे पास, 3, 3, -1, -2, -1, -2। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर लो, -6, माइनस का साइन अपनी तरफ से, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, तो कितना हो गया, -6 + 3 कितना हुआ, ये -3 की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास M21 की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी, -3। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा M22। M22 मतलब कहने का सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम और ये है सेकेंड रो, इनको छिपाकर क्या बचा, 2, 3, 3, -2। इसका डिटर्मिनेंट, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन पहले लगेगा, -9, कितना हो गया, -13। इस तरह से M22 की वैल्यू कितनी आ गई, -13। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -13। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, M23। M23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये है सेकेंड रो और ये है थर्ड कॉलम, राइट। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, 2, 3, 3, -1 का, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2, माइनस का साइन अपनी तरफ से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9, कितना हो गया, -11। तो इस तरह से M23 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है, -11। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, M31। M31 इसको कैसे निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये है थर्ड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को छिपाने पर क्या बच गया, डिटर्मिनेंट उसका निकालेंगे, 3, 3, -2, 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो,
थ्री, माइनस का साइन अपनी तरफ से, माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो, माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर आ गया नाइन। तो मतलब कहने का एम थ्री वन की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस नाइन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है भाई, एम थ्री टू, एम थ्री टू का मतलब हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये है थर्ड रो और ये रहा सेकंड कॉलम, इसको क्या करना है हमने, छिपाना है। डिटर्मिनेंट किसका, टू वन और ये थ्री वन, मतलब टू को वन से मल्टीप्लाई करो टू, माइनस का साइन लगाओ, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है थ्री टू वन की, थ्री टू की कितनी, माइनस वन। इसी तरह से लास्ट बच रहा है एम थ्री थ्री, एम थ्री थ्री का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छिपा लो। थर्ड रो ये थी और थर्ड कॉलम ये, छिपा लिया। तो डिटर्मिनेंट किसका, टू वन थ्री माइनस टू, इस तरह से टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके माइनस फोर, फिर माइनस का साइन लगाओ, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, माइनस सेवन। तो हमें वैल्यू किसकी मिल चुकी है, एम थ्री थ्री की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी है, माइनस सेवन। देखो सबसे मुश्किल काम माइनर मैट्रिक्स निकालने का था, इसके बाद हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब बिल्कुल कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पूरी माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लो, फाइव माइनस फाइव फाइव, सेकेंड रो माइनस थ्री माइनस थर्टीन माइनस इलेवन, थर्ड रो नाइन माइनस वन माइनस सेवन। जस्ट ओनली एक काम करना है यहाँ पर, क्या अल्टरनेट साइंस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये हो रहा है कि फाइव माइनस थ्री माइनस प्लस थ्री हो जाएंगे, ये नाइन, माइनस और माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस फाइव हो गया, ये माइनस थर्टीन, ये माइनस और माइनस प्रोडक्ट होकर प्लस वन हो गया, प्लस फाइव, माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस इलेवन हो गई, और ये माइनस सेवन। ओके, दिस इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरह से हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है। अब लास्ट जो टारगेट है वो क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बिल्कुल ही सिंपल है, जो हमने अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली थी, जस्ट इसका ट्रांसपोज निकालिए। मतलब फर्स्ट रो जो थी उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ये फाइव 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 जो ऐसे लिखे गए थे उनको ऐसे कॉलम में लिख लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है, थ्री माइनस थर्टीन और इलेवन, थर्ड रो नाइन वन माइनस सेवन। ये हो गई हमारे पास क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा भाई, वन डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब इक्वल टू वन अपॉन, डिटर्मिनेंट कितना निकाला था हमने, फोर्टी, इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स कितनी फाइंड आउट की हमने अभी जस्ट, फाइव फाइव फाइव, थ्री माइनस थर्टीन इलेवन, नाइन वन माइनस सेवन। तो ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में हमने जस्ट लिखा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी x y z,
और ए इनवर्स जो है हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, 1/40 इंटू 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में 5 -4 और ये 3 राइट इज इक्वल टू 1/40 इंटू, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 होता है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 × 5 = 25 प्लस 3 × −4 − 12 प्लस 9 × 3 = 27 कितना हो गया 25 + 27 52 52 − 12 इज इक्वल टू 40 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 5 × 5 = 25 फिर प्लस का साइन लगना था लेकिन −13 − 4 की प्रोडक्ट कितना हो गया 52 प्लस 1 × 3 कितना है 3 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 5 + 2 = 7 7 + 3 = 10 5 6 7 8 80 आंसर आ रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 = 25 प्लस 11 × −4 − 44 प्लस 7 − 7 × 3 − 21 25 − 21 कितना हो गया प्लस का 4 − 44 मतलब 40 मतलब कहने का हम सीधा आंसर लिखें 40 80 40 और ये 40। अब डिवाइडेड बाय 40 ईच एलिमेंट को हमने 40 से डिवाइड कर देना है 40 / 41 80 / 42 40 / 41 ओके। अब टू मैट्रिसेस इक्वल हो गई, एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक्स कितना मिला 1, वाई कितना है 2 और जेड कितना है 1। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का मतलब होता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड आउट करो, फिर माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकाला जाएगा इस फॉर्मूले के साथ। अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ए इनवर्स जो है जस्ट अभी निकाला गया था और बी का मतलब जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करके एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू कितनी है 1। सो ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड एंड हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।